बच्चों में नफ्सियाती दबाव या चिड़चिड़ापन की क्या वजूहात है? इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से वो उस टाइम गुजरा होता है जिसकी वजह से उसके अंदर वो चीज़ आ रही होती है। सेकेंडली बहुत सारी वो सम टाइम बीमार होता है या किसी डिजीज़ की वजह से सफ़र अच्छा। करने की वजह से उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती ठीक है। है। और थर्ड पे स्कूल अब्यूज़ सम टाइम, अब आजकल के स्कूल एनवायरमेंट में देखा जाए बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बच्चों को जस्ट ये नहीं कि एक टचअप एक अब्यूज़ को हम नाम दे देते हैं, बल्कि उसमें ये देखा जाता है फिजिकली अब्यूज़, जेस्टर अब्यूज, वर्बल अब्यूज बहुत ज्यादा बच्चों पे किया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा लायक आ रही है। और सेकेंडली पेरेंट्स के अंदर सेपरेशन का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है, जैसे कि पेरेंट्स में से किसी एक सिंगल पेरेंट्स है या वो एक पेरेंट्स में जो है ये जो माँ बाप की आपसी लड़ाई बच्चों के सामने, एग्जैक्टली बच्चों के सामने जिस तरह वो आपस में लड़ते हैं, तो बच्चे वो चीजें देखते हैं जिनके अंदर से उनके अंदर वो उस चीज को अपने कोप अप करने की कोशिश करते हैं लेकिन उस चीज से निकल नहीं सकते। और सम टाइम किसी एक लव वन की डेथ हो जाती है पेरेंट्स में से वो बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे के अंदर जो है वो चिड़चिड़ापन ये इसकी तरफ जो है वो बच्चे जाना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है इस सिचुएशन में पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को जो है किसी प्रोफेशनल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के पास जो है वो लेकर जाए।